हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हमने क्या किया था, ISE स्टार्ट किया था, आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसके अंदर हमने चार टाइप की इलेक्ट्रोड यूज की थी, जिसके अंदर फर्स्ट हमारे पास क्या था, ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड, सेकंड हमारे पास था सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड, थर्ड लिक्विड बेस इलेक्ट्रोड एंड फोर्थ कंपाउंड इलेक्ट्रोड या फिर एंजाइम सब्सट्रेट इलेक्ट्रोड। तो जो हमारा ग्लास मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड था वो हम कर चुके थे, अब हमारे पास है लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। देखो ये इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है कि जो लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है उसके अंदर हमारे पास दो सिलेंड्रिकल सिलेंडर यहाँ पे यूज है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल जार हमने यहाँ पे फिट कर रखे हैं। इसके अंदर हमारा जो बीच वाला पोर्शन है, इसके अंदर हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड को इंसर्ट किया है, और जो हमारा इस साइड वाला मतलब राइट साइड वाला जो हमारा सिलेंड्रिकल जार है उसके अंदर इनर्ट फ्लोरोकार्बन इलेक्ट्रोड बॉडी, मतलब जो हम इसकी बॉडी है हमारी बाहर की साइड वाली, उसको हमने फ्लोरोकार्बन से कोट कर रखा है। ठीक है, इनर सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये हमारे इनर सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये आउटर सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सोलवेंट है जो कैसा है, न्यूट्रल है। ये हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड जो हमारे पास ये है लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। ऐसा ही एक सिलेंडर इस अपोजिट साइड में है, दोनों के अंदर सेम है, जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो बीच वाले पार्ट में रहेगी और यहाँ पे जो सॉल्यूशन रहेगा जिसको हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे पास देखो लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है उसके अंदर दो कंसेंट्रिक सिलेंडर होते हैं, या फिर सिलेंड्रिकल ट्यूब बोल सकते हैं हम इसको, वो दोनों एक दूसरे से इनर्ट होते हैं या फिर प्लास्टिक मटेरियल के ये बने होते हैं। जो क्या प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट है। ठीक है, जो इनर सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसके अंदर क्या है, इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगी हुई है उसके अंदर, और जो वो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इंटरनल इलेक्ट्रोड के अंदर, जो इंटरनल वाला पार्ट है उसके अंदर चार्ज सॉल्यूशन या चार्ज सॉल्वेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन हम बेसिकली चार्ज लेते हैं क्यों, जिससे हम आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, विच विल पोजेस आयन एक्सचेंज ऑर्गेनिक, जैसे हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी करते हैं, आयन एक्सचेंज कोलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, है ना, कोलम के जो एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हो उसके अंदर आप क्या करते हो, आयन एक्सचेंज करते हो, आयन का आप पता लगाते हो, जो आप उसके अंदर एम्बर लाइट यूज करते हो उसके थ्रू आयन को आप रिप्लेस करते हो और उसकी कंसनट्रेशन टाइट्रेशन के थ्रू निकालते हो। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, आयन एक्सचेंजर यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, इन इट फॉर्मेशन ऑफ थिन ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन फेज विल बी सेपरेट, मतलब इसके बीच में हम ऐसी मेम्ब्रेन लगाए रखते हैं जो दोनों तीनों पार्टीशन को एक दूसरे से सेपरेट करती है। ठीक है, इसके अंदर और क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिविटी है, एक्टिविटी है इलेक्ट्रोड है, वो बहुत सेंसिटिव होती है किसके किसके लिए, आयन एक्सचेंज के लिए। ठीक है, जो हमारा इसका एनवायरनमेंट हम बनाए रखते हैं मेम्ब्रेन का, वो कैसा होता है, जो इसका एनवायरनमेंट है वो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें हम क्या करते हैं, वाटर मिसिबल लिक्विड सब्सटेंस, जो हम लिक्विड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है उसको हम किस टाइप से यूज करते हैं, वाटर मिसिबल लिक्विड सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं जो वाटर के अंदर मिसिबल होते हैं। ठीक है, पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करते हैं ये, और डायरेक्ट पोटेंशियोमेट्रिक जो मेजरमेंट हम करते हैं, जो हम पीएच निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वही सारा हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो पीवीसी की बनी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है, जो एक टाइप का क्या है हमारे पास पॉलीमर है। इसके अंदर हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं आयन एक्सचेंज के लिए, उसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा तो उसके अंदर आयन्स भी ज़्यादा होंगे और वहाँ से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसके अंदर जो बीच वाला पोर्शन है उसके अंदर हम ऐसे सोल्यूट या सोलवेंट फिल करते हैं जो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होते, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं तो उसके अंदर आयन एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है सॉलिड स्टेट मेम्ब्रेन। देखो इनके स्ट्रक्चर मेन है, आपको इनके स्ट्रक्चर को मेन याद रखना है। ठीक है, हमारे पास इसमें ये सिलेंड्रिकल टाइप है, ऊपर हमारे पास लेड की वायर लगी हुई है या फिर लेड इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ये इसकी कैप है। फिर इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड है अंदर की साइड,
इंटरनल रिफरेंस सॉल्यूशन है यहाँ पे, और ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड हमारा कंप्लीट है। यहाँ पे ये इसका स्टैंड लगा हुआ है हमारे पास। इसके अंदर देखो हम टू टाइप के इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस के अंदर मिक्सचर को लेते हैं ना, मतलब होमो के अंदर हम सिंगल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और हेट्रो के अंदर हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे इनर्ट रबड़, मतलब जो हम इसकी बाहर की कोटिंग होती है वो क्या होती है, इनर्ट होती है, और हम इसके अंदर ये जो मरकरी के इलेक्ट्रोड है ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम दो टाइप से इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रेसिपिटेट इलेक्ट्रोड, सेकंड है क्रिस्टलाइन मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड। प्रेसिपिटेट में हम प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, और क्रिस्टलाइन में हम इसको क्रिस्टल के उसमें, इनके ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आप लोग ये कर लेना। ठीक है, इसके अंदर एक और है प्रेस प्लेट इलेक्ट्रोड, है ना, प्रेस पेटल्ड इलेक्ट्रोड भी होता है इसके अंदर। मेन होता है इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोड। एंजाइम सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोड है वो जो हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए करते हैं, वो सारा ही प्रोसीजर यहाँ पे होता है। बायोमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोड है जो सेंसिटिव होती है एंजाइम के लिए, और इसके अंदर जो हम एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन यूज करते हैं जिससे जो आयनिक रिएक्शन की यील्ड है वो हमारे पास ज़्यादा आती है, और ये हम इससे एक फ्लोट ड्राइव करते हैं जिससे हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कितने आयन हमारे पास हुए हैं। इसके अंदर मेन है एप्लीकेशन ऑफ आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। एप्लीकेशन क्या क्या है, इससे हम क्या करते हैं, डिटेक्ट क्वांटिटेटिव एनालिटिक प्रॉब्लम। जो एनालिटिक प्रॉब्लम है जिससे हमें कंसंट्रेशन मेजर करनी होती है, वहाँ पे हम आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और हमारे पास देखो जो भी स्पीसीज है जिसको हम डायरेक्ट पोटेंशियो या उससे नहीं निकाल सकते, उसको हम आईएससी के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं, इससे हम आयन्स की एक्टिविटी को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर है कि इसके अंदर हम टाइट्रेशन के अंदर जो एंड पॉइंट निकलता है वो भी हम इसकी हेल्प से निकालते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जैसे एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, बायोमेडिकल के लिए, जिसके अंदर हम आईएसई इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। ग्लूकोज एंड यूरिया हैव बीन मेजर्ड बाय एंजाइम इलेक्ट्रोड, है ना, जो कंसंट्रेशन होती है ग्लूकोज की और यूरिया की उसको हम एंजाइम इलेक्ट्रोड की हेल्प से यूज करते हैं। इसके अंदर देखो एक एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ फ्लोराइड इन नेचुरल वाटर, मतलब जो हमारा वाटर है उसके अंदर कितना फ्लोराइड आयन है, इसके लिए हम ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आईएससी का यूज करके। तो उसके अंदर ये, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन। ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन के अंदर आता है तो आप ये दिखाओगे डिटरमिनेशन ऑफ फ्लोराइड इन नेचुरल वाटर, तो उसके अंदर आप इसको दिखाते हो। फिर हम अमोनिया कितना है सी वाटर के अंदर उसको डिटरमाइन करना है तो हम आईएससी का यूज करते हैं। फिर एडवांटेज ऑफ आईएससी, आईएससी के एडवांटेज हमारे पास क्या क्या है, इसकी बहुत सारी एडवांटेज होती है। किसी भी सॉल्यूशन को हमें डिटरमाइन करना है तो हम उसके अंदर आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर हम वर्क करते हैं कि ये कलर्ड होता है, ट्यूबरल के सॉल्यूशन होता है जो इसके अंदर हम इजीली देख सकते हैं, और ये काफ़ी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो।